जो जगत जननी है हमारी मां सीता जगति भवानी। तो प्रभु श्री राम जिसे युद्ध करने के लिए ना जाए, इशारा संसार क्या कहेगा कि इतने महाज्ञानी होते हुए भी और अज्ञानियों की भांति उन्हीं भगवान से बैर करने के लिए चल दिए। आज समझाने लगता है हमारी इष्ट भगवान, आप हमारी बात को मान जाइएगा तो प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए ना जाए। मारीच के बार बार शदीसा देने पर दशकंदर क्रोध के आवेश में आ जाता है, कहने लगा नीच, मैं तो तुझसे युद्ध करने की तैयारियां करने के लिए बोल रहा हूँ और तू मुझे युद्ध की बजाय उपदेश सुना रहा है। यदि तूने मेरा इसी वक्त ये काम नहीं किया तो मैं तेरा ही खात्मा कर दूंगा। मारीच सोचने लगा किस नीच रावण की बजाय मैं भगवान श्री राम के हाथों से ही मारा जाऊं, उसी में मेरा उद्धार है। और ऐसा विचार करते हुए आज मारीच कहता है ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा मैं श्रोधारी करता हूं, बताइए क्या करना है। तो दशकंदर कहने लगा तू मायावी सोने का मृग बन करके जाएगा और मैं मायावी साधु का भेष बना करके आऊंगा। आज ऐसा ही हुआ, जहां मां सीता अपने प्रभु के साथ में उस आश्रम में रह रही हैं, वो मारीच मायावी सोने का मृग बन के और मैया की नजरों के सामने से होकर के बार बार इधर से उधर गुजरने लगा है। माँ सीता की नजर जब उस हिरण पर पड़ी है, उसका ऐसा मनोहरी रूप कि मैया के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, तो वो माँ कहने लगी है अपने स्वामी राम जी से, कि देखो देखो हिरण बाकी ओर चित मन मन को हरी, देखो देखो अंग पे
घूमता आता इसी ओर मन मन को हरी देखो देखो मैया कहती है भगवान ये हिरण बार बार मेरे मन को लुभा रहा है और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, क्या आप इसको पकड़ के मेरे पास में ले आएंगे। श्री राम जी ने कोई गौर नहीं किया, वो पुनः से मैया की नजरों के सामने से होकर के गुजर रहा है। आज माँ फिर से निवेदन करने लगी, भगवान आप हमारी बात को मान लीजिए ना, सुनो साजन कि अब मेरे दिल में गयो समाई हिरणवा सोने को मेरे सजना सोने को मेरे सजना जो हिरणा सोने को मेरे सजना सोने को मेरे सजना जो हिरणा सोने को मेरे सजना अब मेरे दिल में गयो समाई हिरणवा सोने को मेरे सजना किसी भी भांति से इस हिरण को पकड़ के मेरे पास में ले आइएगा। जब मैया के मन को ज्यादा लालायित निहारा तो उसी समय श्री राम जी लक्ष्मण को इशारा करते हैं, भैया तुम सीता